हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप ओपन करने के बाद मुझे बिल मिल जाता है। बिल को हम बाद में देखेंगे, मैं आपको बिल के साथ बताऊंगा कि मुझे कितने के पड़ा है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसके बॉक्स है, तो बॉक्स भी मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट से आया है, तो ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स छोटा वाला लगा हुआ है इसमें। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए इसकी बॉक्स, आपको पोको X4 प्रो बॉक्स 5G मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और इस तरफ भी आपको पोको X4 प्रो 5G मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे कुछ स्टिकर लगे हुए हैं, तो स्टिकर कटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। स्टिकर कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, यहाँ सबसे फर्स्ट में आपको पोको X4 प्रो लिखा हुआ है। उसके सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसमें, उसका 64 मेगापिक्सल इसमें कैमरा आपको देखने को मिलेगा। सेल्फी आपको 16 मेगापिक्सल मिल जाएगा देखने के लिए। 1219 पैक इसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके लिए बेस्ट फ़ोन होने वाला है। कम से ये 20,000, पहले इसका प्राइस 20,000 था, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ही 15,000 कुछ रुपये का पड़ा है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरा बिल के साथ डिटेल के साथ बताऊंगा मैं। यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर होते हैं इसके। 67 वाट फास्ट चार्जर है, बहुत ही जल्दी आपको आधा घंटा में फ़ोन चार्ज हो जाएगा। 5000 mAh बैटरी है। कुछ इस प्रकार से ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिया है 6128। अगर आप एक यूट्यूबर है तब 4/64 ठीक नहीं होगा आपके लिए, आप 6128 ही ले। और आप छोटा सा चैनल भी चालू कर सकते हैं, जैसे कि मैं, मेरा रिपेयरिंग का शॉप है, तो बहुत मैं कम ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रेगुलर वीडियो बनाऊँ। ये फ़ोन मैं ज़्यादातर वीडियो ही बनाने के लिए, क्योंकि EMI के फ़ोन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इससे पहले मैं EMI का ही फ़ोन नोट 10 चला रहा था, वो भी अच्छा था, उसकी कैमरा भी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, इसलिए मैंने ये पोको का EMI का ही ब्रांड है दूसरा। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पोको लिखा हुआ एक यहाँ पे केस मिल जाएगा। इस फ़ोन का केस रहता है इसमें, तो ये केस मैं साइड में रख लेता हूँ। और यहाँ पे एक फ़ोन मिल जाएगा आपको, इसकी मैंने येलो कलर लिया है, तो येलो कलर देखने में थोड़ा बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आपको लाइनिंग जो दिख रहा है डिज़ाइन का, ये ऐसा कुछ है नहीं, पूरा प्लेन है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये लाइट के ऊपर आपको यहाँ पे ऐसे लाइनिंग दिख रहा है, लेकिन लाइनिंग नहीं है, पूरा आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है लुक, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। और डिस्प्ले भी आपको 6.7 इंची का डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर हम फ़ोन रख लेते साइड में। और इसके साथ क्या मिल जाता है आपको, इसके साथ एक पेपर मिल जाता है। चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं, क्योंकि फ़ोन यहाँ पे रख रहा है, कैमरा का लुक का डिज़ाइन है ये, इसको साइड में रखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 67 वाट फास्ट चार्जिंग है, जो कि आधा घंटा में आपको फ़ोन को चार्ज कर देगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप वीडियो एडिट करने में अगर ज़्यादा बैटरी खपत होगा तो ये बहुत जल्दी आपको चार्ज कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको 30 मिनट में ही चार्ज हो जाएगा ये फ़ोन आपका। और यहाँ पर एक टाइप सी केबल है, इसकी क्वालिटी जो यहाँ पर डब्बे की जो बॉक्स है, ये चार्जर की बॉक्स जो है ये वाइट कलर में है, और ये थोड़ा ग्रे कलर कर दिया, क्योंकि गंदे बहुत सारे होते हैं, तो पोको ने थोड़ा इसमें भी अच्छा काम किया है। और इसकी क्वालिटी वायर की बहुत हेवी है, बहुत ही अच्छे वायर है, बहुत ही मजबूत वायर है। इस बार पोको ने बहुत ही मजबूत वायर लिया, क्योंकि मैंने पहले यूज कर रहा था नोट 10, उसमें इतना हेवी वायर नहीं था, क्योंकि 33 वाट फास्ट चार्जिंग है नोट 10 में। इसको चलिए रख लेते हैं इसको भी साइड में। और ये चार्जर भी बहुत थोड़ा वजन है, लेकिन बहुत ही जल्दी फ़ोन का आपको चार्ज कर जाएगा, बहुत ही जल्दी चार्ज कर पाएगा फ़ोन को। यहाँ पे भी मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। ये चार्जर रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके साथ केस आते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए सिम जैक मिल जाता है यहाँ पे, निकालने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे सिम ट्रे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सा सिलिकॉन में दिया हुआ है, एक बहुत ही लग रहा है कि हाँ कुछ है प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम जैसा देखने को मिल रहा है हमको। और ये आपको केस है, जो फ़ोन में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कैमरा का भी टेस्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको अगर कमेंट आता है मेरे पास कैमरा टेस्टिंग, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसका कैमरा कैसा आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने नोट 10 यूज किया था, बहुत ही बेस्ट कैमरा आ रहा था। इसका मैं यूज करूंगा तो ही बता पाऊंगा कैसा है। तो यहाँ कैमरे में ये थोड़ा बड़ा कैमरा दिया हुआ है, क्योंकि मेन कैमरा है ये 64 मेगापिक्सल का, और थोड़ा सा उठा के दिया हुआ है। देखने के लिए तो ये लुक बहुत ही बेस्ट लग रहा है देखने के लिए, बहुत ही यहाँ पर गोल्डन कर दिया हुआ है, यहाँ पर गोल्डन चमक भी है साइड में दोनों तरफ से, और पीछे ब्लैक
पीछे ग्लास है, और यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा इस तरफ, और ऊपर से ये हेडफोन के लिए है। अब यहाँ पे बोया माइक सेट कर सकते हैं अच्छे से, तो ये यूट्यूबर के लिए बहुत ही बेस्ट फ़ोन होने वाला है। यहाँ पे माइक है, और यहाँ पे IR ब्लास्टर, ये रिमोट काम कर जाएगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे सिम यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम कुछ इस प्रकार से ये निकलेगा, नीचे दिया हुआ है। और इसकी भी क्वालिटी देख लेते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, एक सिम इधर लगा सकते, और यहाँ पे हम इसको पहले केस लगा लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए, अब इसको लुक देखिए कैसा लग रहा है, इसमें भी बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, लग रहा है कि हाँ कोई फ़ोन है, प्रीमियम सा देखने में लग रहा है। और यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस तरफ मिल जाएगा, पोको की ब्रांडिंग है, पोको लिखा हुआ आ रहा है। इस केस में चार्जिंग का कवर भी लगा हुआ है, तो ईएमआई 13 का दिया हुआ है, अपडेट रहता है इसमें। तो कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन है, देखने में बहुत ही अच्छा है। आप चाहे अगर यूट्यूबर है, आप ऐसे ही यूज करना चाहते हैं, देखने में बहुत ही लुक इसका बहुत ही शानदार लग रहा है, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। मुझे अब मैं इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ, तो ये आपको बिल दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे पास बिल आया। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है, पोको X4 प्रो 5G येलो कलर 128 में है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ प्राइस इसके 13,426 रुपये है, जो कि GST लगा के 1,208.37 रुपये GST है, टोटल 15,843 रुपये है, जो कि यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग जो चार्ज लगाया है, मैं बता दूँ आपको 49 रुपये लगाया है, तो आपको 15,000, मुझे ये 15,892 रुपये पड़ा है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे टोटल, देखिए यहाँ से इस प्रकार से टोटल है, और यहाँ शिफ्टिंग चार्जिंग लगा के आपको 15,892 रुपये पड़ा है मुझे, तो 15,892 रुपये ही इस फ़ोन का मुझे पड़ा है। मैं क्रेडिट कार्ड से लिया था, एक्सिस बैंक का, आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और मुझे बहुत बेस्ट लगा, देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताना कि यह फ़ोन आपको कैसा लगा। मेरा स्पीकर भी बहुत, मॉडल भी देखने में अच्छा लग रहा है, और बहुत ही बेस्ट लुक भी लग रहा है, तो मुझे आप कमेंट में बताना वो फ़ोन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर आपसे नए वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।